हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच, हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लीनियर इक्वेशन। यू नो वेरी वेल दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सीरीज लेक्चर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ आवर टुडे टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज जो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो सबसे पहले इसको लिखेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो यहां पे जनरल फॉर्म क्या लिखा मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी क्या होता है? आपका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो x है ना, x क्या है आपका वेरिएबल है, और a क्या है इसका कोएफिशिएंट है, b क्या है कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल से मिलकर ही तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता था। तो हम बात आज करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर में यानी वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख ले वेरिएबल का पावर क्या है, वन है। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर टू वेरिएबल क्या होगा वो भी देख लो। मैं अगर यहां पे लिखूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बच्चे लोग, इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक है x है, दूसरा क्या है y है। तो दो वेरिएबल हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का a है, y का कोएफिशिएंट क्या है b है, c क्या है कांस्टेंट टर्म है। अगर हम टर्म की बात करें तो यहां पे कितना टर्म है, थ्री टर्म है। अगर मैं वेरिएबल की पावर की बात करूं तो यहां पे वेरिएबल का पावर वन है, यहां पे वेरिएबल का पावर वन है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल का पावर वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वेरिएबल का पावर टू होता है, और क्यूबिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल का पावर थ्री होता है। ठीक है, टर्म में ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये क्या आपका बाइनोमियल है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल वन क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स है। अगर वाई होता तब ये हो जाता टू वेरिएबल। जैसे यहां पर क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज वन वेरिएबल। आई होप यहां तक आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज होती है समझने में। तो सबसे पहले आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और फिर हम उसके बाद इसका एक लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले रहे। तो हमने ये पहला क्वेश्चन लिया, एक्स माइनस थ्री बाय एट इक्वल टू एक्स माइनस फोर बाय सेवन। आपको यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले देखें अगर इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, एक ही है ना, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जाना होगा। नहीं मालूम है तो आज उसको आपको क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस कर दिया, इसको एट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस फोर से, और सेवन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस थ्री से। इसी को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, यहां पे ये सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री से, एक्स माइनस थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया सेवन से, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे इक्वल टू हो जाएगा, और फिर एट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस फोर से। समझ में आया। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे इक्वल टू लिया है और यहां पे क्या लिया, इंप्लाई लिया है, ऐसा क्यों लिया। देखो जब क्वेश्चन में पहले से अगर इक्वल टू है, समझना ध्यान से, अगर इक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाई लेते हैं, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू लेते हैं। अब बोलोगे सर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये भी समझ लो, समझा देते हैं। ये जो है आपका टू एक्स प्लस थ्री, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तब हम इसको क्या बोलते थे, एक्सप्रेशन। और अगर हम इसको लिख दें टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। आया समझ में।
तो ये है 2s + 3 = 2, दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वलिटी साइन होता है, यानी इक्वल टू साइन का यूज होता है, और एक्सप्रेशन में आपका इक्वल टू साइन नहीं होता। ये है बेसिक डिफरेंस। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ लो। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू साइन, और एक्सप्रेशन में कोई सी साइन की जरूरत नहीं होती है, बस आपका नॉर्मल रहता है। 2s + 3 हो गया अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, और 2s + 3 = 2 क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आई बात, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक ही है ना, एक्स है वेरिएबल, यहाँ पे भी क्या है, एक्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इम्प्लाई लेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे 2x = 2, और ये प्लस 3 है, जब इक्वल टू के साइड में जाएगा तो -3, यानी इक्वल टू के बाद साइन चेंज होता है, तब यहाँ पे लिखते थे -3, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 2 - 3 क्या हो गया, -1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये साइन क्यों लगाया, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, तो सॉल्व करें इसको। तो देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 7x, फिर 7 का मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये क्या हो जाएगा -21, ठीक। 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा 8x, 8 का मल्टीप्लाई होगा -4 से, -32 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखो, ये क्या है 7x है, ये क्या है 8x है, तो x को x के साथ रखेंगे, नंबर को नंबर के साथ रखेंगे, ठीक है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो 7x - 8x हो जाएगा, क्योंकि ये साइड प्लस था, इक्वल टू के साइड दूसरा साइड आएगा, तो माइनस साइन, यहाँ क्या है -32 है, और ये -21 जाएगा ये साइड, क्या हो जाएगा +21। इस स्टेप को अच्छे से समझ लो, 7x 8x क्या आ जाएगा, इक्वल टू के ये साइड आएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो -8x हो गया, और ये -21 जब वो साइड जाएगा तो +21। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x - 8x - x हो जाएगा, और -32 + 21 कितना हो जाएगा, आपको तो माइनस करने आता है ना, कर लो यहाँ पे, अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, 2 में 1 जाएगा 1, और 3 में 2 गया तो 1, यही है ना। और साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपको डाउट है तो ये कर लो 32 21, और ये क्या +21 है, -32 है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 1, 3 में 2 गया 1, साइन माइनस का होगा, होप क्लियर। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो बच्चे लोग आगे, ये -x है ये -11, तो -1 क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो x = -11/, ये नीचे में साइन आया माइनस आया ना -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो साइलेंट में क्या 1 है ना, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो 1 को हमने यहाँ कर दिया, अब ये -+ हो जाएगा। तब हम लिखते हैं x = 11, ये हुआ आपका सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इसका भी आप क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ले लो स्क्रीन शॉट इसका लो। तो बच्चे लोग अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये क्या है 2x / 3 - 4 = 9/2, इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या तरीका होगा सॉल्व करने का वो देखो आप लोग, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले अगेन पहले से ये क्या है इक्वेशन है ना, इक्वल टू साइन है, तो हम इम्प्लाई साइन लगाएंगे, तब लिख सकते हैं 2x / 3, ठीक, इक्वल टू 9/2, और ये साइड ये क्या -4 है, ये साइड चला जाएगा +4 होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किए, 2/3 एक्स को क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या x है ना, ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2/3, और ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, दिस इज द 2/3 का कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये -4 क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ भेज देंगे, लाइक को लाइक के साथ और अनलाइक को अनलाइक के साथ, जिसका जैसा पेयर होगा उसके साथ, जो जैसा होता है उसका फ्रेंड भी वैसा ही होता है। हमें अगर किसी को कोई अगर हमें पहचानता है, पहचानना चाहेगा, वो ये देखेंगे हमारा फ्रेंड कैसा है। लोग कहते हैं ना तुम मुझे 5 दोस्तों के नाम बताओ,
तो मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो दिस इज द रियलिटी। अगर किसी के गट्स के बारे में जानना है, किसी के पोटेंशियल के बारे में जानना है, तो उसके दुश्मन के बारे में जानो, आपको पता चल जाएगा उस इंसान का लेवल क्या है। उसी तरह से किसी के दोस्त के बारे में जानने से हमें यह मालूम चल जाता है वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। समझ में आई? तो जस्ट सेम यही यहाँ पे भी मैथमेटिक्स में यही कॉन्सेप्ट है। तो 9/2 + 4 कुछ नीचे है नहीं है तो ये क्या जाएगा, बंद हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, पहले 2x/3 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 हो जाएगा, ले लो एलसीएम। यहाँ पे क्या है, 9 है तो ये 9 हो जाएगा। ये क्या है, 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 हो जाएगा। तो दिक्कत, मैं बेसिक सेशन ले रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए बेसिक थोड़ा क्लियर कर देते हैं। 2/3x हो जाएगा यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा 9 + 8/2, यही ना होगा। तब हम इसको क्या ले सकते हैं, 2/3x = 9 + 8 17 हो जाएगा, 17/2। समझ आया बच्चा लोग? अब इसको अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो यहाँ पे। Now maybe some of you are getting confusion, but no need to confuse. I am here to crystal clear. See, 3 cross multiply कर सकते हैं ना, इसको इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 2x × 2 इधर आ जाएगा ना, = 2×17, यानी 2 ने क्या है यहाँ पे आपका 3 है ना, हो जाएगा ये 2×2x हो जाएगा एंड 3×17 हो जाएगा। तब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2×2 4x हो जाएगा और 17×3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। समझना है? तो 4x = 51, पर मुझे क्या करना है, x को अकेला करना है ना, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो। क्यों करना है, जो यहाँ पे देखो दो तरीका है, या तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x = 51/4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या नहीं तो फिर क्या करना होगा आपको, दोनों में 4 से डिवाइड करो, दोनों साइड सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप बोलोगे 4 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि x के जो कोएफिशिएंट उसको 1 लाना है, 1 कैसे आएगा 4 को हटाने से। समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीन शॉट, तो ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया, होप सो। तो बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसे बिल्कुल स्प्रेड करते रहें, दूर तक इसे फैला दें। ओके देन, सी यू।